जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। और करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ, और ये खबर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो भी शिक्षक हैं नियोजित और वो अब विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण का परीक्षा देने जा रहे हैं। दूसरा चरण इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक चरण का परीक्षा हो चुका है, ये दूसरा चरण है। इसके बाद एक और होगा जो कि ऑनलाइन के माध्यम से होगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि बीएसईबी सक्षमता परीक्षा तीन चरणों में होगी, वो ऑनलाइन होगी, और दो चरण जो होगा वो ऑफलाइन के मोड पे होगा। यानी कि पांच चांस आपको मिलेंगे जो कि नियोजित शिक्षक से आपको जो है राज्य कर्मी बनने का जो है रास्ता यहाँ से क्लियर होता है। अब लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि आपका एडमिट कार्ड और एग्जाम की तिथि कब तक है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, एक तो जानकारी यहाँ से आपको दूंगा मैं। साथ ही साथ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, मतलब कि आपको कैसा एडमिट कार्ड लेकर जाना है अपने परीक्षा देने के लिए, वो भी जानकारी दूंगा। एक ऑफिशियल अपडेट आया है यहाँ पर बीएसईबी की तरफ से, तो चलिए सीधे लिए चलते हैं। और अगर 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 अब आपका कोई एडमिट कार्ड नहीं दिखता है, आपका एप्लीकेशन नंबर या आपका डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका एडमिट कार्ड नहीं दिखता है तो क्या करना है, उसकी भी जानकारी देंगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक भी वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए आपको सीधे आ जाना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ से आप जो है आकर इसकी जानकारी सारी ले सकते हैं। या तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा की एजुकेशन, है ना, और यहाँ पे इसका लिंक जो है मैंने दे दिया है इस वीडियो के माध्यम से ही, है ना। और जो सक्षमता परीक्षा है आपका, इसको क्लिक करके यहाँ से सारी जानकारी आप देख सकते हैं, कब इसका एग्जाम नोटिफिकेशन निकाला गया, कैसे फॉर्म भरा गया, है ना, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा अभी, और यहाँ से आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। तो कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग भी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा तो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों 7 मई को, यानी कि कल की डेट में, और ये एक अपडेट भी है यहाँ पर उन छात्रों के लिए, उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो इसको थोड़ा जरूर एक बार भली भांति पढ़ लीजिएगा, है ना, कि आपको करना क्या है। अगर आपका कोई फॉर्म भरने में त्रुटि हो गया है, यानी कि गलती हो गया है, तो आपको क्या करना है। जैसे कि अभ्यर्थी वैसे अभ्यर्थियों की यहाँ पे चर्चा की गई है क्योंकि सक्षमता परीक्षा 1 के लिए आवेदन तो किए थे परंतु किसी कारण से परीक्षा से वंचित रह गए, तो वैसे अभ्यर्थी भी यहाँ पर देखिएगा, वैसे अभ्यर्थी से भुगतान नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। उसके लिए अभ्यर्थी को अपने सक्षमता परीक्षा 1 के भरे गए विवरण, जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है आपका, है ना, सही सही भरना होगा। अन्यथा स्थिति में, ऐसी स्थिति में अगर आप गलत कुछ अपडेट डेटा डालते हैं, मैच नहीं करेगा अगर, तो आपको भुगतान फिर करना पड़ेगा। अभ्यर्थी अपने सभी विवरण जो है भरने के बाद जो है सेव बटन पे क्लिक करके जो है डेटा मैच करेंगे और सॉफ्टवेयर पे जहां पर जाके आपको भुगतान करेंगे। ये तो जानकारी उनके लिए हो गई जो कि यहाँ बीएसईबी सक्षमता परीक्षा 1 दिए हुए थे और वो 2 भी देना चाहते हैं। अगर आपका आवेदन सबमिट होने के बाद जिला के डीपीओ के पास अग्रतर कार्रवाई के लिए भेजा जाता है, और यदि आपके आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो आवश्यकता हुई तो आपको, यानी कि अप्रूवल के लिए आपको जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क भी करना पड़ सकता है। तो ये रिव्यू के सेक्शन को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया, लेकिन ये नोटिफिकेशन जो आया है दोस्तों, इस पे हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं क्योंकि ये जो है सक्षमता परीक्षा जो है आपका 2 से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए क्या जानकारी दी गई है कि एतर द्वारा सूचित किया जाता है कि परीक्षा जो है आपका सीटीटी 2024 जो कि दूसरा चरण का यह परीक्षा हो रहा है, इसमें जो है सम्मिलित वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सभी जिला पदाधिकारी, देखिए जिला पदाधिकारी यानी कि सभी डीएम को भी यहाँ पे रखा गया है, इसमें शामिल किया गया है, और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी ये सूचित किया जा रहा है ना, जो डीईओ है, तो बिहार के और अन्य सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि स्थानीय निकाय शिक्षक, देखिए जो लोग यहाँ पर नियोजित शिक्षक है उनको स्थानीय निकाय शिक्षक के संबोधित किया गया है कि परीक्षा जो है सक्षमता परीक्षा दूसरे चरण का दिनांक 12 मई को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके पास कि एग्जाम कब है, तो 12 मई से प्रारंभ है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन परीक्षा होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। 12 मई से ये आपकी परीक्षा प्रारंभ है जिसका सीबीटी के माध्यम से, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अब यहाँ पे बता दें कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ये यहाँ पर जिन शिक्षक ने आवेदन किया है उनको ऑनलाइन विधि के माध्यम से ही जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी सॉरी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यम से समिति को प्राप्त हुआ है, और उनका प्रवेश पत्र यानी कि जो उनका एडमिट कार्ड है, यहाँ पे बात हो रही है एडमिट कार्ड की, ध्यान रखिएगा, क्रमिक रूप से समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो रहा है और ये 8 मई से यानी कि आज से अपलोड हो सकेगा। तो अभी थोड़ा सा देखिए सुबह का समय है तो आप लोग को यहाँ पे जो है थोड़ा
थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, किसी का खुलेगा किसी का नहीं भी खुलेगा। पर अगर ऐसी स्थिति में आपका एडमिट कार्ड नहीं खुलता है तो क्या करना है? तो यहाँ पे दिया गया है कि आवेदक जो है वेबसाइट पे जाके जो दिए गए लिंक है उस लिंक पर आपको लॉग इन करना है, लॉग इन आईडी और अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के। जैसे कि यहाँ पे आप आएंगे तो आपको अपना एक मोबाइल नंबर या अपना पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे लॉग इन कर लेना है और लॉग इन जैसे कीजिएगा तो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन के लिए भी बोलेगा कि एप्लीकेशन नंबर डालिए और पासवर्ड डालिए जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ है ना। और वहाँ पे मैच करेगा तो आपको जो है आपका यहाँ पे क्या दिखाई देगा, तो आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा। अब जहाँ पे एडमिट कार्ड दिखाई दिया उसको प्रिंट कर लेना है, राइट साइड में यहाँ पे कॉर्नर पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, उसको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सारा चीज मिलाना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं, कोई त्रुटि तो नहीं। अगर त्रुटि होता है जैसे कि उसके उपरांत जिला आवेदकों को प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि कोई ना कोई त्रुटि है, तो परामर्श दिया जाता है कि वैसे स्थिति में यह के लिए हेतु सतत रूप से समिति की वेबसाइट पर अवलोकन करते रहेंगे। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, इसी बात यहाँ पे कही गई है। अब यहाँ पे एक चीज और लिखा गया है कि आवेदक जो है वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड जब डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, कि एडमिट कार्ड सीधे लेके आपको जाना नहीं है, है ना, यह ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद जो है आपको जाना है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास, यानी कि जो भी आपके जिला के DEO है उनसे प्रति हस्ताक्षरित करवाएंगे, यानी कि उनका मुहर वगैरह साइन वगैरह लगेगा बिना आपके एडमिट कार्ड पे जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर के प्रवेश पत्र मान्य ही नहीं होगा। तो अगर आप अपने DM ऑफिस में जाएं या फिर जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी है या जिला शिक्षा पदाधिकारी है DU है उनके ऑफिस में जाएं, वहां से आप अपना आधार कार्ड सॉरी अपना एडमिट कार्ड पे जो है अपना मुहर लगवाएं और वहां पे उसको अप्रूवल ले लें, नहीं तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी एग्जाम में बैठने को ले। और बाकी जो भी परामर्श किया गया है, जो भी आपके एडमिट कार्ड पे अंकित किया गया है, आपके समय को लेकर कि किस समय आपको परीक्षा केंद्र पे जाना है, रिपोर्ट कब करना है, इसको भली भांति आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा एडमिट कार्ड को। और अगर किसी का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मुझे शेयर कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि मैंने आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में डाल रखा है, तो वहां से जो है मैं आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके दिखा दूंगा या दे दूंगा। तो ये आपको एक मदद कर सकता हूँ यहाँ। बाकी सारी चीजें जो है यथावत है यहाँ पे, है ना। ये सारी नोटिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ से इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। दोस्तों अगर आप भी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जुड़िए, वहां पे सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो है आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, वैसे आप अपना मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। और दूसरी चीज की अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बिहार STET के मॉक टेस्ट के माध्यम से मॉक टेस्ट को लेकर, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि STET 2024 की परीक्षा को लेकर भी आप यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल कराइए, तो जरूर उसके रिगार्डिंग जो है आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।